अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। मैं आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे हूँ, जो कि है अपने हाथों की हम घर में केयर कैसे कर सकते हैं, बिकॉज गर्मियाँ आ चुकी हैं और अब कहीं ना कहीं अपने फेस की तो केयर कर लेते हैं बट अपने हैंड्स को हम मिस कर जाते हैं, उन्हें पीछे छोड़ जाते हैं, उसकी हमें कोई फिक्र ही नहीं होती। तो आज बहुत सी बेसिक सी टिप्स हैं, बहुत सी होम रेमेडीज़ हैं आपके साथ मैं शेयर करूँगी, जिसके साथ आप बहुत आसानी से अपने हैंड्स की केयर कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले हमें इस बात को मेक श्योर करना है कि हमारे हैंड अच्छी तरह से वॉश हो। तो हमने मेरे पास ही कैपी का ब्यूटी हैंड वॉश है, इसके साथ अपने हैंड वॉश करेंगे। सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है, हमने अपने हैंड्स की क्लिनजिंग करनी है। जैसे कि हम अपने फेस की क्लिनजिंग करते हैं, ऐसे ही ऑब्वियसली हमारे हैंड्स को भी ज़रूरत होती है क्लिनजिंग। तो हम दही के साथ, दही हर घर में मौजूद होता है, तो हम आज ऐसे टिप्स शेयर करेंगे जो कि आपके घर में सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, आपको बहुत ईजीली मिल जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लिनजिंग से। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अपने हैंड्स के ऊपर योगर्ट लेंगे। इसके साथ हमने क्या करना है, अपने हैंड्स की हमने क्लिनजिंग करनी है, ठीक है। हम अपने हैंड्स के अच्छे से क्लेंजिंग करेंगे। जैसा कि हमारे फेस को भी क्लेंजिंग की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारे हैंड्स को भी क्लेंजिंग की ज़रूरत होती है, ताकि हमारे जो हैंड्स के ऊपर भी कुछ डर्ट पार्टिकल्स हों या डेड स्किन हो वो रिमूव हो जाए। तो हम इसकी ऑलमोस्ट 15 मिनट्स तक अपने हैंड्स की हम क्लेंजिंग करेंगे, ठीक है, लाइक दिस, फिंगर्स से, अच्छी तरह से, हैंड से। आप अगर चाहें तो उसको अपने फेस पर भी योगर्ट के साथ क्लेंजिंग कर सकते हैं, योगर्ट हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो अब हम इसकी 15 मिनट क्लेंजिंग करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी, तो मैंने 15 मिनट्स तक अपने हैंड्स पर योगर्ट के साथ क्लेंजिंग की थी, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। तो अब मैं आपको एक पेस्ट बनाना सिखाऊंगी। इस पेस्ट को आप स्क्रबिंग के तौर पर अपने हैंड्स पर यूज़ कर सकते हैं, इसको आप नेक पे भी अपनी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों की नेक जो होती है वो डार्क होना स्टार्ट हो जाती है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, इसमें हमने ऐड करनी है, ये मेरे पास है एलोवेरा जेल, हम 1 स्पून इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये है आटा जो हम नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं, वो ये मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। ओके, हाफ टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, ओनली हाफ टेबल स्पून। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट जो बचा है वो है जी रोज़ वाटर, हमने इसके अंदर थोड़ा सा हमने इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करना है, ठीक है। ये है रोज़ वाटर, बिल्कुल थोड़ा सा ये हमने ऐड कर दिया इसके अंदर रोज़ वाटर। अब ये एक बिल्कुल अच्छी सी पेस्ट हमारे पास बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। इसके साथ हमने अपने हैंड्स की स्क्रबिंग करनी है, ये पेस्ट बहुत अच्छी है, ये आपके हैंड्स को ब्राइटर लुक देगी। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, इस पेस्ट को अपने हैंड्स पे लगाएं स्क्रबिंग करें। मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ। तो जी, जैसे कि आपने देखा था कि मैंने अपने हैंड्स पे ये पेस्ट अप्लाई की थी, ये अभी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी है, हमने इसको कंप्लीट ड्राई नहीं करना है बिकॉज अभी हमने इसकी स्क्रबिंग करनी है। तो जो हमने इसके अंदर लेमन ऐड किया था उसी लेमन को हम लेंगे, उसके साथ हम अपने हैंड्स की क्लेंजिंग करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के जो नकल्स होते हैं बहुत डार्क हो गए होते हैं, तो लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, तो इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये आपकी नकल्स को लाइट अप करने में हेल्प आउट करेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने नकल्स जो लेमन हमने इसके अंदर ऐड किया था उसी के साथ आपने इसकी स्क्रबिंग करनी है, ठीक है। लेमन को अपने फेस पे अप्लाई मत कीजिएगा, इस तरह हम इसको अपने पूरे हैंड्स पे लेमन के साथ स्क्रबिंग करेंगे। ठीक है, लाइक दिस। अगर आपके नकल्स बहुत ज़्यादा डार्क टोन में जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप आफ्टर 2 और 3 डेज़ लेमन के साथ अपने नकल्स की स्क्रबिंग कर सकते हैं, ठीक है।
ऐसे आपने ऑलमोस्ट 15 मिनट्स तक, 15 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा हो गए, नहीं आपने ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स तक आपने अपने हैंड्स की इस तरह स्क्रबिंग करनी है इस पेस्ट के साथ, और ये आपको उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अब आपने अपने हैंड्स को वॉश कर देना है। अब हमने चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी तो मैंने जो पेस्ट अपने हैंड्स पे लगाई थी उसको मैंने वॉश कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप पे जी हम एक और पेस्ट ऐड करेंगे, उसको अपने हैंड्स पे अप्लाई करेंगे। उसमें क्या जा रहा है जी, उसमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक है जी ग्रैम फ्लोर जिसे हम बेसन बोलते हैं, और एक है हमारे पास मिल्क क्रीम। ये दोनों आपको पता है इसके रिजल्ट ऑब्वियसली बहुत बेस्ट होते हैं, बेसन के भी और मिल्क क्रीम भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आए हम अपने नेक्स्ट पेस्ट को तैयार करते हैं। ठीक है, ये मैंने लिया है जी 1 चम्मच बेसन है। ठीक है, इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं मिल्क क्रीम, इतनी हमने इसके अंदर मिल्क क्रीम ऐड करनी है कि हमारी एक पेस्ट अच्छी सी तैयार हो जाए। ठीक है, जिससे हमारी एक पेस्ट बन जाए। इसको हम करेंगे मिक्स अच्छे से, मिक्स 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 मिक्स, इसको हमने करना है अच्छे से मिक्स। इसके अंदर थोड़ी सी और मिल्क क्रीम हम ऐड करेंगे। अभी जो पेस्ट तैयार की इसको अभी हम अपने हैंड्स पे लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए जी, इसको आप मास्क के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप लगा के अपने हैंड्स पे ऐसे छोड़ दें 15 मिनट के लिए, उसके बाद ये भी ड्राई अप हो जाएगा। तो आप इसको वॉश कर लें, वॉश करने के बाद इसके रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आप लगा दिए, अब आपने आप इसको 15 मिनट्स के लिए ऐसे छोड़ दें। ठीक है, अब लगा के वॉश करने के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके जी, तो जो मैंने अपने हैंड्स पे मिल्क क्रीम हमने क्या ऐड किया था, उसमें रोज़ वाटर एंड जो बेसन ऐड किया था उसकी मैंने पेस्ट बनाई थी, और वो पेस्ट बहुत ऑसम है, आपने वो मस्ट ट्राई करनी है। ठीक है, और इसका लास्ट स्टेप जो रह गया है, जो मेरा फेवरेट है, जो मैं मस्ट यूज़ करती हूँ, वो है जी हमने अपने हैंड्स की थोड़ी सी मसाज करनी है आलमंड ऑयल के साथ। अगर आपके पास आलमंड ऑयल है आप आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल थोड़ा सा लेना है आलमंड ऑयल। ठीक है, इसको हमने अपने हैंड्स पे इसके साथ मसाज करनी है। जब आपने फेस की मसाज कर सकती हैं तो हमारे हैंड्स को भी तो ज़रूरत होती है ना मसाज की। तो आपने बिल्कुल ही सॉफ्ट एडिट के साथ आपने अपने हैंड्स पे मसाज करनी है। ठीक है, लाइक दिस, फिंगर्स पे, हैंड्स पे, आप इसको अपनी नेक पे भी यूज़ कर सकते हैं, नेक पे भी मसाज कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको टिश्यू पेपर के साथ रिमूव करें सबसे पहले, एंड आफ्टर डैट आप इसको वॉश करें। तो मैंने ऑलमोस्ट 5 मिनट्स तक अपने हैंड्स की मसाज की है। अब हम इसको टिश्यू पेपर के साथ अब हम इसको साफ़ कर लेंगे, उसके बाद हम इसको वॉश आउट कर लेंगे। ठीक है, आपकी स्किन टोन इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता ब्राइटर होती जाएगी। आप इसको वीक में 2 टाइम्स यूज़ करें, अपने फेस की केयर करते हैं तो हैंड्स की भी तैयार करें ना, तो वीक में 2 टाइम्स आप इसको यूज़ करें इन सब चीज़ों को, और आपकी स्किन टोन बेहतर हो जाएगी पहले से। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। जज़ाकअल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।